नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। जोबट के समीप ग्राम घोंगसिया के रहने वाले एक बालक पर जंगली जानवर ने हमला किया है। जानकारी के अनुसार बालक के परिजन ने बताया कि उनका बालक कुछ काम से ग्राम चौली उसके मामा के यहाँ गया था, जहाँ उसके साथियों के साथ वहाँ लौट रहा था। वहीं बालक के ऊपर शेर के बच्चे ने हमला कर दिया, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट लाया गया, जिसकी सूचना कांग्रेस के जिला महासचिव सुरपाल सिंह अजनार को मिली और जिसके बाद वह तुरंत जोबट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट पहुंचकर ग्रामीणों से मिले और डॉक्टर से चर्चा करें और सहायता की मदद की। और वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्राम चोली में रेस्क्यू टीम के द्वारा जगह जगह पर पिंजरे लगा रखे। हमारे छोरे घोंगसिया के रहने वाले हैं, हमारे भाई के लड़के के, इसका बाप का नाम प्रेम सिंह है, वहाँ पे मामा के घर पे पढ़ने के लिए रखे थे। तो आज रविवार का दिन है करके ना बकरी चराने के लिए ले गए थे, तो टेंडवा वो छोटे जैसे शेर है वो उन्होंने पकड़ लिया। तो दो तीन छोरिए उसके साथ में थे, वो उसने चिल्लाया कि छोरा को पकड़ लिया करके ना, तो वो शेर ने छोड़ दिया, भाग गया छोड़ के। फिर छोरे ने वहाँ होश हो गया तो हम यहाँ पे दवाखाना लेके आए जोबट अस्पताल में। अच्छा, वन विभाग वालों को बता तुमने? हाँ बताया ना, कि शेर ने पकड़ लिया करके ना, तो उन्होंने रिपोर्ट लिख के गए वहाँ पे मौका पे चोली, अभी जाए हुए हैं। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम लिम सिंह है। हॉस्पिटल पहुँचे हो, क्या है आपको? आज हम यहाँ पे हॉस्पिटल में आके जायजा लिए हमने। ये हमारे ग्राम घोंगसिया के कालू भाई के उनके पुत्र उनके छोटा बच्चा, मामा घर ही रहता था चोली में, और आज अचानक 11 बजे तीन बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पे मतलब जंगली जानवर शेर के बच्चे ने आके हमला कर दिया। उनके सिर में 35 टाके आए हैं और अभी हम डॉक्टर साहब से चर्चा करते, मतलब आवश्यक होगा तो अलीराजपुर भेजेंगे स्वास्थ्य जांच के लिए, MRI के लिए। और हमने इनको, ये हमारे गांव के हैं और हम फिर भी हम सभी दूर जा रहे हैं और हमने यहाँ पे एक आर्थिक सहायता दी। वन विभाग से बात की है, क्या बोला उन्होंने? मैंने रेंजर मैम से फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि तुरंत मैं अपडेट लेती हूँ, मेरा जानकारी में नहीं है। और उनके शासकीय अमले उन्होंने तुरंत पहुँचाया और मैंने माननीय SDM महोदय साहब से भी बात करी मैंने, उन्होंने कहा कि मैं अभी सभी अधिकारी कर्मचारी को मैं अवगत कराता हूँ। और उन्होंने थाने पे भी फ़ोन लगाया, यहाँ पे अभी मैंने पूछा अभी तो सभी यहाँ पे कर्मचारी आए थे, उन्होंने अपडेट लिया और अभी मौका देखने के लिए ग्राम चोली गए हैं।